लोगों को और भारत के लोगों को बहुत सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का मामला चल रहा है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने तय किया कि एडमिशन्स अब प्लस टू की मेरिट पे नहीं होंगे, उसकी बजाय टेस्ट के माध्यम से होंगे। तो जो प्लस टू की मेरिट थी उससे बहुत साल हम चले, उसके बहुत सारे फायदे भी थे, कुछ नुकसान थे कि बहुत सारे बोर्ड हैं देश के अंदर, कोई बोर्ड लीनियंट हैं, कोई बोर्ड स्ट्रिक्ट हैं, कोई किस तरह से मार्किंग करते हैं। तो जब हम स्टूडेंट्स को एडमिट करते थे तो एक कॉमन फील्ड सबको ठीक से मिलता नहीं था, जो स्ट्रिक्ट बोर्ड वाले हैं उनको नुकसान होता था, लेकिन हर बोर्ड का अपना एक तरीका है समझने का, काम करने का, उस बारे में तो हमें कुछ नहीं कहना। लेकिन अब ये जो नया सिस्टम आया कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इसका हमको थोड़ा फायदा होगा कि सभी बच्चों को एक ही तरह से एडमिशन के तरीके में आना पड़ेगा और उस पर टेस्ट की परफॉर्मेंस ही तय करेगी कि आपको किस कॉलेज में और किस कोर्स में एडमिशन मिलता है जी। तो ये जो व्यवस्था है, मैं ऐसा मानता हूँ कि ये सभी के लिए समान अवसर देती है, चाहे आप छोटे शहर के हैं, चाहे बड़े शहर के हैं, चाहे गांव के हैं, चाहे भारत के किसी दूर इलाके से हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा और विविधता वाला ये देश है अपना। तो इस कारण से अलग अलग बोर्ड्स की बजाय ये एक अच्छा माध्यम है और कल से ये कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट शुरू होगा और आपके माध्यम से मैं, जो लोग भी 14 लाख लोग इसमें बैठने वाले हैं और 14 लाख बच्चे जिनमें से 8 लाख के करीब ऐसे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, हमारे पास 70,000 सीट्स हैं, मेरी तरह मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए, 12th की एग्जाम में अपीयर होइए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए बाकी चीज़ों की, आपके लिए एक स्वर्णिम भविष्य इंतजार कर रहा है। 14 लाख, जैसा कि आपने कहा, 14 लाख से ज्यादा बच्चों के लिए ये अहम परीक्षा कल है और सबकी नजर इस पर रहेगी। देखिए, जो बिंदु ऐसे हैं सिंह साहब, प्रोफेसर साहब, जिस पर बच्चों के मन में बहुत ज्यादा परेशानी इस वक्त है, उनको लेकर मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। एक एक पॉइंट उठाऊंगी, आप उसका जवाब दीजिएगा। परीक्षा की तैयारी तो बच्चे कर रहे हैं जी। लेकिन सवाल यह है कि कई ऐसे विषय हैं जिनको मतलब अलग अलग एग्जाम्स देना है, कुछ को बहुत टाइम मिलेगा, गैप है, कुछ को ऐसा है जो बैक टू बैक पेपर्स है, यानी हाफते भागते हुए बच्चों को एग्जाम देना पड़ेगा, उसका क्या उपाय है? ऐसा है कि उससे बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है, उसका कारण है क्या होगा, अगर कल जो स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं जिनको कम समय मिला तैयारी करने के लिए जो कहा जा रहा है, और जो अगस्त का जो फेज टू है उसमें जाएंगे जिनको कि ज्यादा तैयारी को टाइम मिलेगा, आज जो अपीयर होंगे पहले उनका परसेंटाइल निकाला जाएगा उन स्टूडेंट्स का, और जो अगस्त में अपीयर होंगे उनका अलग से परसेंटाइल निकाला जाएगा और बाद में उसको नॉर्मलाइज करेंगे। तो अगर सबको ज़्यादा टाइम मिला है तो सबके फायदे की अगर वो बात है तो ऐसा माना जाता है कि सबको ज़्यादा नंबर आएंगे तो वो परसेंटाइल निकालते हुए उसका इम्पैक्ट बहुत ही कम हो जाएगा, और जब हम उसको नॉर्मलाइज करेंगे तो मैं नहीं समझता कि उसका कोई खास इम्पैक्ट रहने वाला है। हर दिन इम्पॉर्टेंट है, उस दिन जो एग्ज़ाम होगा आपकी जो परफॉर्मेंस है वो रिलेटिव परफॉर्मेंस है, किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिस्टम उसका ध्यान रखेगा। चलिए, आपकी बात पर उम्मीद करेंगे कि बच्चों को जरा भरोसा हो। मेरा अगला सवाल आपसे ये है सर कि जेई हो, बहुत सारे ऐसे जो प्रोफेशनल कोर्सेज के एग्जाम है सेंट्रलाइज्ड होते हैं, बच्चों पर जबरदस्त दबाव रहता है, पहले 10th का एग्जाम उन्हें देना है, फिर 12th के एग्जाम्स देने हैं, 12th में अपने सब्जेक्ट्स को केटर करना है, अब ये अलग एक एग्जाम जिसके लिए उनको पढ़ना है, किस तरह का होगा? और मैं तो कई बार, प्रोफेसर साहब आप भी पहुंचिए 12वीं के बाद की अपनी अवस्था में, आपके मन में भी ये प्रश्न आएगा कि ये वाले एग्जाम में क्या आने वाला है, इसका तो पुराना कोई पेपर भी नहीं है कि वो देख के पढ़ ले, तो फिर वो क्या पढ़ें, क्या समझें, मतलब एक एक भय बच्चों के मन में है। और ये वाला जो खास तौर पर ये वाला जो बैच है, सोचिए उन्होंने कोविड की भी महामारी बुरी तरह से झेली, अब उनको ये एंट्रेंस टेस्ट का सामना करना पड़ रहा है, क्या पढ़े वो इन यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए? कोई पुराना वाला फर्रा भी नहीं है, पेपर्स भी नहीं है कि उससे कुछ देख लें, क्वेश्चन कैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हाँ, वो बात ठीक है कि इसके कोई 5 साल के कोई पैटर्न और पुराने पेपर्स उपलब्ध नहीं हैं, ये तो एक चैलेंज है, पर ये सभी बच्चों के साथ ये चैलेंज है, किसी एक के साथ नहीं है। दूसरी बात ये है कि जो तैयारी का वक्त है वो तो टाइम पे अनाउंस हुआ था कि ये टेस्ट होगा इस तरह से, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि सभी बच्चों को समान अवसर इससे मिलेगा। और जहाँ तक आपने कोविड की बात कही, वो तो एक देखिए अनफॉर्चुनेट समय आया ही, अभी प्लस टू के एग्ज़ाम्स के आधार पर यदि हम एडमिशन करते हैं तो
तो फिर भी मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे बच्चों के साथ उसमें अन्याय होता था, उसको ये दूर करेगा। और भारत बहुत बड़ा देश है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबकी इच्छा है कि अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में उनके एडमिशन्स हों, तो ये तो बहुत कॉम्पिटेटिव पहले भी था, आज भी है, कल भी रहने वाला है। लेकिन इसी से रास्ते निकलते हैं, इसीलिए स्टूडेंट NCERT की जो बुक्स हैं उसके हिसाब से तैयारी करें, ये पेपर उसी में से आएगा। और जो दूसरे बोर्ड्स हैं, अब ये एक और बात आती है कि डाइवर्सिटी है, बोर्ड्स के थोड़े बहुत सिलेबस अलग होते हैं कुछ विषयों के, इसी कारण से ये JEE और नीट से अलग थोड़ा है। यहाँ पर क्या है, थोड़ी चॉइस दी गई है स्टूडेंट्स को कि आपको 50 क्वेश्चन हैं तो आपको उसमें से 40 ही करने हैं। उस चॉइस से उस चीज़ को मिनिमाइज़ करने का काम किया गया है। और ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि जो व्यवस्था बनी है इससे बेहतर अभी तो नहीं समझ में आई थी, आगे होगी तो उसके हिसाब से NTA इम्प्रूवमेंट करेगा, पर मुझे ठीक लगता है। तो आप कह रहे हैं कि NCERT की तरह की किताबों पर आप पढ़ाई कीजिए और 50 में से 40 क्वेश्चंस के ही जवाब देने हैं, तो ये एक थोड़ा सा बच्चों के लिए राहत की बात है। अब अगला सवाल मेरा सब और अगला सवाल ये है कि बच्चे कौन से एग्जाम की तैयारी करें सर। अब देखिए, अब प्रेशर तो ये होगा ना कि हम 12th के एग्जाम्स की तैयारी करें या फिर हम यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस की तैयारी के एग्जाम करें। ऑब्वियसली कोई आगे पढ़ना चाहेगा तो उसके लिए फिर प्राथमिकता हो जाएगी कि यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करें। अब ऐसे में ये भागा दौड़ी मचेगी कोचिंग सेंटर्स की, और वो तो आप जानते हैं कि एक पैरेलल कारोबार पूरा देश में चल रहा है। ये सब ना हो, इसको रोकने के लिए आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है, और बच्चों को, उनके पेरेंट्स को जो सुन रहे होंगे, क्या बताएंगे? देखो इसको रोकने की बात तो अपनी जगह है। जो एग्ज़ाम है ये अगर 12th के सिलेबस से ही पूरा आता है, डिफ़िकल्टी लेवल इसका मीडियम होता है, तो जिस बच्चे ने 12th में अच्छा किया है वही टेस्ट में अच्छा करेगा। NTA का कोरिलेशन बाद में निकालेगी, उनको निकालना भी चाहिए इस बात का कि जिन्होंने 12th में अच्छा किया उन्होंने क्या यहाँ अच्छा किया। हम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में ज़रूर निकाल के देखेंगे इस बात को, और अगर पॉजिटिव कोरिलेशन आता है इस चीज़ का तो ये चीज़ भी मिनिमाइज होगी। लेकिन जो 12th की तैयारी बच्चे अच्छे करके आएंगे वो CUET में अच्छा करेंगे, ऐसा मेरा भरोसा है। किसी को इसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कोचिंग की इसके लिए कोई आवश्यकता नहीं। जी, अब ये जो क्वेश्चंस वाला सेक्शन है सर, उस पे आते हैं कि बताया जा रहा है कि दो सेक्शंस होंगे लैंग्वेजेस के CUET में। एक सेक्शन 6 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का होगा जो कि स्टूडेंट ने चूज किया है, एक होगा जो कि जनरल टेस्ट होगा और जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस होंगे। अब जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, अब ये सब का कहां से कोर्स समझ में आएगा सर? नहीं, बात ऐसी है, हर बोलिए सर, आपकी आवाज आ रही है। नहीं, बात ऐसी है कि इसमें हर सब्जेक्ट को हर सब्जेक्ट को सबको देने की आवश्यकता भी नहीं है। क्या है, हर एडमिशन का कोर्स में अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। जैसे पहले होता था प्लस टू के मार्क्स में, प्लस टू में आप 6 सब्जेक्ट्स दे रहे हैं, तो अगर आपको फिजिक्स ऑनर्स में लेना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लग रहा था आपके लिए, ऐसे ही लगेगा, एक लैंग्वेज लगती है। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक क्राइटेरिया होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो पिछले साल क्राइटेरिया था एडमिशन का वही रहने वाला है। तो जैसे जनरल नॉलेज की आप बात करें, ये कोई कंपल्सरी नहीं कि दिया ही जाए, ये किसी एक खास विषय में जहाँ पर पहले भी जनरल नॉलेज की आवश्यकता होती थी, एक हमारा बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज का प्रोग्राम चलता है या और किसी यूनिवर्सिटी में कुछ चलता हो, तभी देने की आवश्यकता है। हर एक को सारे सब्जेक्ट्स में अपीयर होने की भी जरूरत नहीं है। आप जिन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस कोर्सेज की एलिजिबिलिटी में जो सब्जेक्ट हैं उसी की आवश्यकता है। इसी कारण तो आप देखिए 50,000 से ज़्यादा कम्बिनेशन बने हैं। सभी स्टूडेंट्स ने सारे कम्बिनेशन का न तो पॉसिबल है ना आवश्यक है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से स्टूडेंट चूज कर रहे हैं, उन्होंने उसी तरीके ऑप्शन सेलेक्ट किए हैं और वैसे ही सब्जेक्ट देंगे। अभी आपकी जो 12th की मार्कशीट आएगी, ये NTA वाली जो मार्कशीट आएगी वो हर सब्जेक्ट वाइज आपका परसेंटाइल उसमें लगा होगा, उसी आधार पे एडमिशन होगा। और इसमें अब बहुत चिंता करने की बात नहीं है, सुबह से तो एग्जाम शुरू हो ही जाएंगे, आप अच्छे से सब तैयारी करेंगे स्टूडेंट्स, और सबके हित में रहेगा ये। अच्छा प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि कहा जा रहा है इससे ऑप्शंस यानी विकल्प कम हो जाएंगे। जैसे पहले कोई बायोलॉजी पढ़ता था और फिर वो डिसाइड करता था कि अब मैं यूनिवर्सिटी में, मुझे कट ऑफ मार्क्स में दूसरे सब्जेक्ट में एडमिशन मिल रहा है तो वो उसमें चला जाता था, कई बार साइंस से सीधे आर्ट्स में भी चले जाते थे, लेकिन अब यहां पर ये नहीं हो पाएगा। मतलब क्या है उसकी जो तरीका, मान लीजिए हिस्ट्री में किसी ने नहीं, ये होगा
कैसे होगा सर, कैसे होगा ये समझा दें। जी जी, एक टेस्ट लेना है। देखिए, जो पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता था हिस्ट्री में एडमिशन लेने के लिए, कि अगर अभी हिस्ट्री में तो ये है कि चार बेस्ट सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन के हैं, तो अगर आपको हिस्ट्री में एडमिशन मिलता है, सॉरी ट्वेल्थ के हैं, उसके आधार पर एडमिशन मिलता था, तो अभी भी वो रहने वाला है। जिसने साइंस के सब्जेक्ट से भी अपेयर हुए हैं तो आप हिस्ट्री में एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी ऑप्शन कम नहीं हुआ है, जो पिछले साल सारे ऑप्शन अवेलेबल थे वो आज भी अवेलेबल हैं। एक साइंस का स्टूडेंट्स कॉमर्स भी ले सकता है और आर्ट्स भी ले सकता है, एक कॉमर्स का स्टूडेंट्स कॉमर्स भी ले सकता है और आर्ट्स भी ले सकता है। पहले भी आर्ट्स का स्टूडेंट साइंस नहीं ले सकता था, तो अभी भी नहीं ले सकता। साइंस का और आर्ट्स का स्टूडेंट अगर कॉमर्स उसने कुछ खास सब्जेक्ट नहीं पढ़े नहीं ले सकता था, तो अभी भी नहीं ले सकता। जितने ऑप्शंस लास्ट ईयर तक थे वो सारे के सारे ऑप्शंस वैसे के वैसे हैं, केवल बोर्ड्स की डिस्पैरिटी को खत्म करने के लिए बोर्ड की जगह अब ये CUET के मार्क्स लगने वाले हैं। कोई भी ऑप्शन किसी का जरा सा भी कम नहीं हुआ है। अच्छा, ये कल से जो एग्जाम हो रहा है, तो इस पर आप क्या बातचीत करना और चाहेंगे, वो अपने यूट्यूब चैनल पर हम ये बातचीत जारी रखेंगे। धन्यवाद आपका हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज तक पर। प्रोफेसर साहब, मेरा अगला सवाल आपसे यह है, क्योंकि आज तक पर हमारे YouTube चैनल पर हमारे दर्शक ये प्रोग्राम अभी भी देख रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि लोगों के मन में जो आशंकाएं इस वक्त हैं, आपके पास भी बहुत सारी क्वेरीज आ रही होंगी, कौन सी ऐसी प्राथमिक चीजें हैं जो आप बताना चाहेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, क्योंकि अब देखिए कल एग्जाम आ गया है और जो ये पहला बैच है उनके लिए तो वाकई मुश्किलों भरा है। कुछ जो ऐसे टिप्स आप देना चाहें कि अब तो बस शाम और रात बची है कि लास्ट में वो क्या क्या पढ़े, कि हमेशा हम लोग यही मनाते थे सर कि वही पढ़े जो एग्जाम में आ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। देखो, एक तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि चिंता छोड़ दें आप, एक बात तो ये। दूसरा, डिफिकल्ट है इस बैच के साथ तो सबके सब बच्चों के लिए है डिफिकल्ट। समान अवसर है तो वो सबके लिए है, परेशानी है तो वो सबके लिए, किसी सेलेक्टिव ग्रुप के लिए नहीं है। तो वो जब हम परसेंटाइल निकालेंगे तो उसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। निश्चिंत रहें, आपने जो प्लस टू में अच्छे से तैयारी करी है उसी पे फोकस करें, थोड़ा रिवाइज करें इसको, और कल बहुत शांत मन से आप अपीयर होइए। जहां तक बात है कि चार पांच या छह सब्जेक्ट्स अगर आपको देने हैं, वो जैसा आपने सिलेक्शन किया था वैसे आपको सब्जेक्ट आए हैं। कुछ कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि सेंटर जो है चेंज करने की बात आई, तो कोई डिफिकल्टी अगर कहीं रही भी होगी पर वो बहुत कम है, बहुत कम है। जिन बच्चों को सेंटर चेंज करना पड़ा होगा किसी ना किसी कारण से, लेकिन फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो NTA की हेल्पलाइन पर आप जाके लिखवाएंगे तो वो इमीडिएटली इस पर एक्शन लेंगे। NTA की पूरी टीम इसके लिए लगी हुई है। जैसी भी कोई डिफिकल्टी आती है, सेंटर को लेकर आती है, टेक्नोलॉजी को लेकर आती है, तो वो आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब आप सेंटर पे जाएंगे और आप, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है ये, अगर आपको वहाँ परेशानी लगती है कोई ऑपरेशन में किसी चीज़ में, तो वहाँ पर लोग आपकी मदद करने के लिए होंगे। बिना घबराए जाइए, और अगर कोई ऐसा कहीं रिमोट में कोई स्टूडेंट है जिसको कि कंप्यूटर पे चलाना भी नहीं आता है, तो मैं कहूँगा कि आज थोड़ा अभ्यास कर लें किसी के साथ में छोटा। बहुत कंप्यूटर चलना नहीं आपको लगा हुआ ही मिलने वाला है, आपको तो ऑप्शन ही सेलेक्ट करने हैं, पर वहाँ लोग होंगे आपकी मदद के लिए। निश्चिंत होकर जाइए, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर, ये कितने कितने एग्जाम्स और कितने कितने ओवर अ पीरियड ऑफ, किस तरह से आपने ये शेड्यूल बनाया है, किन बातों का ख्याल रखा है? नहीं, इसमें तो क्या है, देखिए स्टूडेंट सेंट्रिक है ये। हर स्टूडेंट ने अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट किए थे कि मेरे को इंग्लिश अपीयर करना है, फ्रेंच करना है, फिजिक्स देना है, मैथमेटिक्स देना है। एक ही कंडीशन है कि वो सब्जेक्ट आपने प्लस टू में पढ़ा होना चाहिए, ये जनरल नॉलेज के अलावा। जिन सब्जेक्ट्स को आपने प्लस टू में पढ़ा है आप उसी के एग्जाम दे सकते हैं। जब प्लस टू में छः सब्जेक्ट थे तो छः के ही एग्जाम आप दे सकते हैं, उससे कम भी दे सकते हैं यदि आपकी एलिजिबिलिटी ऐसी बनती है। तो लोगों ने छः सब्जेक्ट वो सेलेक्ट किए हैं जहाँ से पढ़ा है, और जनरल नॉलेज एक जरूर है कि एडिशनल सब्जेक्ट है एप्टीट्यूड का, वो इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि एक दो डिसिप्लिन ऐसे हैं किसी किसी यूनिवर्सिटी के जहाँ उसकी आवश्यकता है। वो पहले भी टेस्ट से लेते थे, उनको तैयारी वहाँ पहले करनी पड़ती थी उसके लिए। वैसे नया कुछ नहीं है, केवल ये कि दो बार एग्जाम हो गया, एक प्लस टू का उनको देना पड़ा और अब ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। मल्टीपल चॉइस का आप जानते हैं कि उसका तरीका थोड़ा अलग होता है जी। पर वो क्योंकि उसी एग्जाम से होना है, रीजनेबल डिफिकल्टी आएगी। ये कोई JEE की तरह की डिफिकल्टी लेवल नहीं होगा कि बहुत हाई डिफिकल्टी लेवल होगा, रीजनेबल डिफिकल्टी होगी, प्लस टू से होगी। तो बिना घबराए आप एग्जाम दीजिए, अच्छा होगा सब। ये जनरल नॉलेज वाला कहाँ से पढ़ना है सर, इसका कोई स्पेसिफिक बुक है, कोई स्पेसिफिक एरेना है? ये जो करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज है, जनरल नॉलेज का तो बहुत सारी बुक्स
हाँ करेंट जनरल नॉलेज एप्टीट्यूड, ये तो क्या है, बहुत सारी बुक्स अवेलेबल जनरल नॉलेज की भी हैं, सेट की बुक भी आती हैं, बहुत सारी आती हैं, उसके हिसाब से आप तैयारी उसकी करें, पर वो तो बहुत ही बहुत थोड़े स्टूडेंट्स के लिए उसकी आवश्यकता है। जैसे कि किसी ने मैनेजमेंट स्टडीज पढ़ना है या कोई इस तरह का रिलेटेड कोई सब्जेक्ट है, बाकी के लिए इसकी आवश्यकता ही नहीं है एलिजिबिलिटी में। तो 14 लाख में से मुझे लगता नहीं कि 13 लाख लोगों ने इसको लिया होगा, पर फिर भी मुझे जानकारी नहीं है, डेटा नहीं है मेरे पास, मैं अंदाजे से कह रहा हूँ। और 14 लाख में से सिर्फ सीटें 70,000 है सर? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो डीयू के अंदर 70,000 सीटें हैं, हमारे पास जो ऑप्शन दिया है 14 में से 8 लाख स्टूडेंट्स ने, करीब 7.5 लाख स्टूडेंट्स ने हमारा ऑप्शन लिया है डीयू का, कि वो डीयू में इंटरेस्टेड हैं एडमिशन लेने के लिए, ऑप्शंस भी दिए हैं उस तरीके से अपीयर होंगे। हमारे पास करीब 70,000 सीट्स हैं सभी कॉलेजेस में मिलाकर, और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं टोटल 90 यूनिवर्सिटीज़ के करीब पार्टिसिपेट कर रही है ना, तो मैं समझता हूँ कि करीब करीब 1.5-2 लाख सीट होंगी टोटल। टोटल 1.5 से 2 लाख सीटें आप बता रहे हैं? 1.5 लाख सीट होंगी, दो भी हो सकते हैं सीट होंगी। 1.5-2 लाख जी जी जी, 70,000 हमारी डीयू की हैं। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रोफेसर योगेश सिंह जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए, और कोई ऐसी जानकारी जो आपको लग रहा है छूट गई है अगर आप हमारे स्टूडेंट्स को देना चाहें, क्योंकि कल एग्जाम है, आज वो वीसी को लाइव सुन रहे हैं, तो कोई ऐसा सजेशन या टिप्स चलते चलते जो आखिर में आप देना चाहें? नहीं, मैं तो उनको यही कहना चाहूंगा, टिप तो कोई नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं तो यही कहना चाहूंगा, देखो पैनिक मत करो सारी सिचुएशन में, बहुत शांत मन से अच्छे से जाकर एग्जाम दो। आपने 12th अच्छा किया है तो ये अच्छा आपका होगा ही, ये मान के चलो, इसमें कुछ अलग से नहीं पूछने वाले हैं, जो प्लस टू की तैयारी थी वही काम आपकी लगने वाली है। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं, और दिल्ली यूनिवर्सिटी में हम आपके स्वागत के लिए तैयार खड़े हैं, आप आइए एडमिशन लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर योगेश सिंह आज तक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सवालों के जवाब देने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।